वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि अभी मेरा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है और मैंने स्टार्ट किया है नाउन से। नाउन के जितने भी बेसिक चीजें हैं और नाउन कहाँ बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस तक किस तरह जाती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा जो है इस पर 3 वीडियो बन चुका है, ये चौथा वीडियो जो बनने जा रहा है नाउन टॉपिक पर ही है। एक्चुअली क्या होता है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग जगह जाके अलग अलग वीडियोज देखते हैं और पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां मैंने एक सीरीज तैयार कर दिया है जहां पे आप बेसिक से स्टार्ट करके एक पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को और भी बेटर वे में जानेंगे, उसका रोल क्या है, एक सेंटेंस में उस पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, वो कैसे काम करता है, उसकी जो है मेन फॉर्म क्या है, उसके काइंड्स क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको जो है इस सीरीज में पता चलेगा। तो चूंकि मैंने नाउन से स्टार्ट किया है तो मेरे तीनों वीडियो जो बन चुके हैं उसके बारे में मैं बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो मैंने बताया था कि नाउन जो होता है उसका डेफिनेशन जो बचपन से हम लोग को रटाया जाता है, पर्सन प्लेस एनिमल एंड थिंग, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल एंड थिंग, तो उसी को ब्रॉड वे में मैंने बताने की कोशिश की है। जहां पर मैंने शुरू किया है नाउन के डेफिनेशन को अच्छे से समझाने की और वो कितने ब्रॉड वे में नाउन का इस पूरे जो यूनिवर्स में उसका एग्जिस्टेंस है उसके बारे में मैंने बात की। फिर मैंने आपको काइंड्स बताया कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं और उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका जो जिसके बारे में हम अगर पढ़े तो हम जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स आइडियाज थॉट्स इस सबके बारे में हम बात करते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसके बाद आपको पता है कि चूंकि नाउन जो है उसको हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं और नाउन ही ऐसा एक है पार्ट्स ऑफ स्पीच और प्रोनाउन जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आपका बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिवाइड नहीं कर पाते। तो जो है इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे एक सेंटेंस में नाउन की पर्टिकुलर पोजीशन होती है और वो किस तरह से काम करता है, कभी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, कभी किसी वर्ब के बाद आके ऑब्जेक्ट के रूप में, कभी किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन के, कभी फ्रेज इन ओपोजिशन बन के और कभी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के। तो ये 5 काम नाउन के होते हैं जिसके बारे में हमने जो है चर्चा की है, हमने बातें की है। उसके बाद जो है मैंने आपको ये भी बताया है कि जेरेंड जो होता है और इन्फिनेटिव ये वर्बल्स होते हैं और ये भी नाउन के ही काम करते हैं, क्योंकि वो जेरेंड वर्बल नाउन कहलाता है, वर्ब से बना है और काम नाउन का करता है, यानी जो एक सिंपल नाउन का काम है वो सारे काम जेरेंड कर लेता है। जेरेंड के फॉर्मेशन के बारे में मैंने बात की थी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जेरेंड बनता है और बिना हेल्पर के आता है, यानी उसके पहले एक्सिलरी वर्ब्स इज एम आर वाज वर कुछ नहीं लगता है, बिना हेल्पिंग के आता है और वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है और किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। तो जेरेंड के ये सारे काम हैं जिसके बारे में हमने बात की। और फिर इन्फिनेटिव में मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव भी सेम वही काम करता है जो कि जेरेंड करता है, क्योंकि ये भी नाउन का ही काम करता है। देखिए 3 वर्बल्स होते हैं जिसमें इसको आप वर्बल कह लीजिए या नॉन फाइनाइट कह लीजिए, ये तीनों में होता है जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। तो मैंने जेरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में आपको बताया क्योंकि ये दोनों ही नाउन का काम करते हैं और हम चूंकि आपको अभी नाउन पढ़ा रहे हैं तो मैंने इन दोनों के बारे में आपको बताया। जब हम आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो उस समय मैं पार्टिसिपल की बात करूंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये भी आपको बताया कि नाउन फ्रेज जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और
एक फ्रेज का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हमने बात की कि फ्रेज जो होता है वो कुछ शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता और वर्ब भी नहीं होता। और फ्रेजेस तीन तरह के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। चूंकि हम बात नाउन की कर रहे हैं तो हम नाउन फ्रेज के बारे में बात करेंगे। अब देखिए फ्रेज क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फ्रेज कुछ शब्दों का समूह होता है लेकिन वो काम नाउन का ही करता है, यानी कुछ शब्दों का समूह मिलकर जो नाउन का काम करे। नाउन अकेले आता है, यहाँ पे नाउन अपने साथ कुछ और शब्दों को लेकर आता है जिसको कि हम फ्रेज बोलते हैं। अब जो नाउन फ्रेज के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने बताया कि एक नाउन फ्रेज को बनने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी एक नाउन फ्रेज बनने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है बनाने के लिए। एक तो हो गया प्री मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या होता है, कुछ शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो पर्टिकुलर नाउन के पहले आते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्री मॉडिफायर। और दूसरा है पोस्ट मॉडिफायर, यानी एक नाउन का जो वर्ड है उसके बाद जितने भी शब्द आएंगे उसको पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं। और तीसरा होता है प्री एंड पोस्ट बोथ, यानी प्री मॉडिफायर भी आएगा पोस्ट मॉडिफायर भी आएगा। तो पिछले वीडियो में हमने प्री मॉडिफायर के बारे में आपको बताया, मैंने बताया कि प्री मॉडिफायर में जो है सबसे पहला जो है वो तीन चीजें काम करता है, एक है डिटरमाइनर या डिटरमिनर आप कह सकते हैं, दूसरा है नंबर और तीसरा है एडजेक्टिव। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि डिटरमाइनर्स में क्या क्या आते हैं, मैंने बताया था आर्टिकल आ सकता है, मैंने बोला पॉजिटिव एडजेक्टिव आ सकता है, मैंने आपको बोला था डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ सकता है, और क्वांटिफायर जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी रख सकते हैं ये आ सकता है, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाला वीडियो जाके देखिएगा, तब जो है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले पोस्ट मॉडिफायर के बारे में। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्री मॉडिफायर में जो डिटरमाइनर आता है उसमें सबसे पहले आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल होता है ए एन और द, जो कि कॉमन नाउन के पहले आता है। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जाम्पल देके बताया था, जैसे द बॉय, अ बॉय, ठीक है, एन एक, इस तरह। तो अगर एक पर्टिकुलर आर्टिकल भी आ जाए नाउन के पहले तो याद रखिए ये आपका नाउन फ्रेज बन गया, जैसे बॉय आपका नाउन है और उसके पहले आ गया अ बॉय, ठीक है, उसके पहले द बॉय आ गया या उसके पहले एन एग आ गया, इस तरह के वर्ड्स जो है वो भी आपके आर्टिकल है। अच्छा, आर्टिकल के बाद मैंने जो दूसरा था वो मैंने बताया था पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे आपका प्रोनाउन जिसको हम अक्सर सोचते हैं कि वो प्रोनाउन है, एक्चुअली वो प्रोनाउन नहीं होता, जैसे माय, हिज, आवर, योर, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इसके बाद तुरंत अगर कोई नाउन आ जाए तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। याद रखिए इस कॉन्सेप्ट को कि एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन के ठीक पहले आ जाए, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे माय बुक, योर हाउस, माय कॉन्सेप्शन, योर आइडिया, हिज थॉट, तो ये सारे के सारे नाउन हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। अब बेटा देखो यहाँ पे जो आपने माय, हिज, आवर, हिज जो हमने बताया उसके तुरंत बाद नाउन आएगा तभी वो पॉजिटिव एडजेक्टिव बिहेव करेगा, लेकिन अगर इस तरह आ गया कि दिस बुक इज माइन, माई की जगह अगर माइन आ गया, हर की जगह अगर हर्स आ गया, आर की जगह अगर आर्स आ गया, तो वो फिर प्रोनाउन है आपका, फिर आपका एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे जब भी इसका क्लासिफिकेशन होता है तो माई, माइन और हर, हर्स, आर, आर्स, योर, योर्स, इस तरह आता है बेटा। सिर्फ हमको माई, आवर, हिज, हर ये लेना है, उसके तुरंत बाद अगर नाउन आ जाता है तो फिर ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है।
फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि डिटरमिनर में आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया? दिस दैट दीज दोज. अब दिस दैट दीज दोज में अगर दिस के तुरंत बाद कोई वर्ब आ जाता है तो याद रखिए कि दिस जो है वो बिहेव करता है प्रोनाउन का. यहाँ पे वो एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि दिस के बाद अगर मैंने वर्ब रखा तो वर्ब का सब्जेक्ट ही तो नाउन या प्रोनाउन होता है. भाई अगर कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और उसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक वर्ब आता है ना. जैसे टॉम इज माई कजिन, टॉम सब्जेक्ट, नाउन इज आपका वर्ब आ जाता है. सेम वे दिस के बाद अगर इज आ जाता है, दिस इज माई रूम या कुछ भी आ गया, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, तो दिस के बाद या दैट के बाद या दीज के बाद या दोज के बाद अगर वर्ब आ जाता है बेटा, तो ये दिस दैट दीज दोज प्रोनाउन हो जाता है, जो कि सब्जेक्ट की जगह पे आता है या किसी नाउन की जगह पे आ रहा है. ठीक है, लेकिन अगर दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव आ, सॉरी, अगर दिस दैट दीज दोज के बाद कोई नाउन आ गया तो आप समझ लीजिए कि ये दिस दैट दीज दोज तुरंत एक एडजेक्टिव बन जाता है. समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला दिस हाउस, दैट कार, दीज बॉयज, दोज गर्ल्स, ठीक है, तो ये दीज गर्ल्स बॉयज, इसके पहले दीज दैट जो भी लगा है वो एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है. ठीक है, तो ये भी आपका डिटरमाइनर के अंतर्गत आ गया. उसके बाद मैंने बोला था क्वांटिफायर्स. अब क्वांटिफायर या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी आप कह सकते हैं. जैसे ईच बॉय, ईच गर्ल्स, समझ में आ रहा है, सम गर्ल्स, सम आइडियाज, या फ्यू कॉन्सेप्शंस, ये सब्जेक्ट की जगह मैं बोल रही हूं. तो ये सम, एनी, फ्यू, ये जितने भी है आपके, तो इसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो ये भी एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है. लेकिन अगर मैंने बोला सम ऑफ द बॉयज हैव कम, याद रखिए कि सम ऑफ द बॉयज हैव कम में सम यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आया है, तो तुरंत आप पहचान जाएंगे कि सम के बाद ऑफ आ रहा है तो ये कोई नाउन तो है नहीं, तो ये प्रोनाउन बिहेव कर रहा है, यानी सब्जेक्ट की जगह पे है. या मैंने बोला फ्यू ऑफ द गर्ल्स, सम ऑफ द बॉयज, इस तरह ये फिर प्रोनाउन बिहेव करता है क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है. ठीक है, और ऑफ द गर्ल से प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सम ऑफ द बॉयज हैव कम, इस तरह मैंने बोल दिया. लेकिन सम बॉयज, फ्यू गर्ल्स, इस तरह मैंने ईच बॉय, है ना, ईच गर्ल्स अगर बोला तो याद रखिए ये फिर यहाँ पे एडजेक्टिव बिहेव करता है, यानी सम, ईच, एनी, तुरंत बाद उसके बाद नाउन आ रहा है. तो ये तो हमने बताया कि ये डिटरमाइनर था जो मैंने बताया. डिटरमाइनर के बाद मैंने आपको बताया था नंबर. नंबर में अगर मैंने बोला टू बुक्स या फाइव आइडियाज, फाइव थॉट्स, या मैंने बोला टू, जो भी आप नंबर ले दीजिए, चाहे 1 2 3 4 5 6, जो भी आप लेंगे उस नंबर के बाद, देखिए ये कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों हो सकता है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 भी आ सकता है. तो इसके तुरंत बाद अगर नाउन आ जाता है तो ये फिर नंबर जो है वो एडजेक्टिव बिहेव करता है. जैसे टू बॉयज वर स्विमिंग, फर्स्ट गाय वॉज सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है. इसी तरह जो सेकंड विमेन वॉज टेकन इन, तो जो भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड या 1 2 3 4 के तुरंत बाद नाउन आ रहा है तो ये जो है एडजेक्टिव बिहेव करता है. ये सारे के सारे मोडिफायर्स कहलाते हैं जब जो अभी तक मैंने आपको बोला. इसके बाद एडजेक्टिव, किसी भी नाउन के पहले एडजेक्टिव तो आ ही सकता है, जैसे क्यूट गर्ल, स्लिम बॉय, फैंटास्टिक आइडिया, ऑसम प्लान, मैंने पिछले वीडियो में आप देखिएगा जरूर जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया. तो ये था प्री मोडिफायर, ठीक है, यानी एक नाउन के पहले एडजेक्टिव
एक नाउन के पहले नाउन फ्रेज बनाने के लिए बेटा आपको कुछ भी आ सकता है, यानी ए एंड द, दिस दिस दैट दीज दोज माई आवर हिज ईच एवरी सम एनी फ्यू कुछ भी आ सकता है, या कोई एडजेक्टिव या नंबर्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड या 1 2 3 ये सारे आ गए, लेकिन ये छोटे तौर पे एक एक करके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैंने ये भी बताया था कि दो मॉडिफायर को एक साथ भी रखा जा सकता है, जैसे मैम ने बोला था माई क्यूट लिटिल गर्ल, अब यहाँ पे मैंने बोला माई क्यूट लिटिल गर्ल, अब यहाँ पे माई क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, क्यूट एक एडजेक्टिव हो गया, लिटिल भी एडजेक्टिव हो गया, और गर्ल आपका नाउन हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि पोस्ट मॉडिफायर्स, मेनली मेरा आज का वीडियो पोस्ट मॉडिफायर के ऊपर है बेटा। अब ध्यान देखिए, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और मॉडिफायर का मतलब होता है जो नाउन की मीनिंग में कुछ चेंजेस लाए। अब मैंने अब से अब तक हमने देखा कि नाउन के पहले कुछ शब्द आ रहे थे जो अभी मैंने बताया, अब नाउन एक हेड वर्ड है और उसके बाद वाले जितने भी शब्द आएंगे उसको नाउन फ्रेज कहते हैं। और याद रखो, अगर नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है तो वो पूरा का पूरा फ्रेज भी सब्जेक्ट का ही काम करेगा और वर्ब उसके बाद आएगा। तो जो आपका पोस्ट मॉडिफायर है उसमें सबसे पहले आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज आएगा, जेरेंड फ्रेज आएगा, इन्फिनेटिव फ्रेज आएगा और रिलेटिव क्लॉज। ये फोर जो है मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले देखते हैं कि कैसे प्रेपोजिशनल फ्रेज किसी नाउन के पहले आते हैं। अब देखो, मैंने बोला टॉम इन ब्लैक सूट वॉज लुकिंग ऑसम, टॉम इन ब्लैक सूट वॉज लुकिंग स्टनिंग। अब यहां पे देखिए, टॉम हमारा हेडवर्ड है, नाउन मुख्य वर्ड, और उसके बाद हमने लिखा इन ब्लैक सूट। टॉम के बाद एक प्रेपोजिशन आया और प्रेपोजिशन अपने बाद नाउन लेता है, नाउन सूट हो गया और सूट की विशेषता बता रहा है ब्लैक, तो टॉम इन ब्लैक सूट ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया जो पूरा का पूरा नाउन फ्रेज बन गया, और उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, यानी टॉम इज इन ब्लैक सूट वॉज लुकिंग स्टनिंग। अब वॉज आ गया आपका तो प्रेडिकेट बन गया, लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या बना, टॉम इन ब्लैक सूट, इसी को कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। एक्चुअली बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेज भी जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, जैसे प्रेपोजिशनल फ्रेज किसकी बात कर रहा है, टॉम की विशेषता बता रहा है, यानी टॉम के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि टॉम काले सूट में बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लग रहा था, ठीक है। अब देखो बेटा, बच्चे होते हैं जो वो इस फ्रेज नाम से ही घबरा जाते हैं, फ्रेज क्लॉज उनको लगता है कि अरे ये क्या चीज आ गया कैसे, लेकिन अगर हिंदी में हम देखें, हम आ रहे हैं अभी एक एक करके आपको बता रहे हैं, हिंदी में हम देखें तो अभी तक जो मैंने आपको प्री मॉडिफायर पढ़ाया था उसमें क्या था, अब हिंदी में जैसे लड़का, एक लड़का मैंने बोला तो एक लड़का, वह लड़का है ना, कुछ लड़के, गोरा लड़का, काला लड़का, अब देखो फ्यू और सम दोनों के लिए कुछ ही आएगा है ना, तो इस तरह मैंने बोला भाई लड़के के बारे में कुछ तो बताएंगे ना, वो लड़का काला लड़का स्मार्ट लड़का। सेम वे मैंने बोला दो लड़के, पहला लड़का दूसरा लड़का, हिंदी में वही चीज हो गया बेटा। और जो पोस्ट मॉडिफायर है उसको हम हिंदी में अगर बोले तो इस तरह हो सकता है, टॉम काले कपड़ों में बहुत अच्छा लग रहा था, हिंदी में हमारा इस तरह होगा, राखी लाल रंग के गाउन में बहुत फब रही थी। अब हिंदी में तो हमारा ऐसे हम कह सकते हैं, अगर मैंने बोला अ लेडी विथ हाई मोरालिटी इन टर्म्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन विल बी चूजन फॉर दिस पोस्ट,
अब इस पूरे के पूरे चीज को देखिए, द लेडी विथ हाई मोरालिटी, द लेडी, द आपका आ गया, द आपका आ गया एक क्या कहते हैं आर्टिकल, लेडी आपका मेन वर्ड है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेडी। अब इसके बाद पोस्ट मॉडिफायर में प्रेपोजिशनल फ्रेज आ रहा है, लेडी, द लेडी विथ, विथ आपका हो गया क्या एक प्रपोजिशन, विथ हाई मोरालिटी, मोरालिटी आपका नाउन है और नाउन के पहले हमने क्या लगाया हाई, यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, द लेडी विथ हाई मोरालिटी इन टर्म्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ भी आपका बेटा एक जो है प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, प्रोफेशन आपका नाउन है, इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली क्या है कि एक पूरा का पूरा प्रपोजिशन एक साथ मिलाकर जिसको संयुक्त प्रपोजिशन कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, यानी टीचिंग जो है आपका जेरंड बन गया और प्रोफेशन जो है नाउन, लेकिन चूंकि नाउन के पहले आया है टीचिंग तो यहाँ पे एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, ठीक है, पार्टिसिपल बिहेव कर रहा है टीचिंग प्रोफेशन। तो मेरे कहने का मतलब है कि अ लेडी विद हाई मोरालिटी इन टर्म्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन तक हमारा सब्जेक्ट है, विल बी चोजन फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होगी। अब हमारा सब्जेक्ट कितना बड़ा हो गया, द लेडी, हम बात किसकी कर रहे हैं, लेडी की बात कर रहे हैं, विथ प्रपोजिशन विथ हाई मोरालिटी, मोरालिटी एक नाउन है और आपको पता है प्रपोजिशन अपने बाद नाउन लेता है तो विथ मोरालिटी होना चाहिए, लेकिन बीच में हाई लगा दिया जो कि एक एडजेक्टिव है, अ लेडी विथ हाई मोरालिटी इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ भी एक आपका प्रपोजिशन है बेटा जो संयुक्त प्रपोजिशन है, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, देखो चूंकि इन टर्म्स ऑफ संयुक्त प्रपोजिशन है तो वो भी अपने बाद एक नाउन लेगा जो कि प्रोफेशन है, प्रोफेशन आपका नाउन है और उसके पहले जो टीचिंग वर्ड लग गया वो एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। तो ये पूरा आपका जो इतना हिस्सा है उस लेडी की विशेषता बता रहा है कि हाई मोरालिटी की, और जिसको जो टीच इन टर्म्स ऑफ का मतलब है के संबंध में, किसके संबंध में, टीचिंग प्रोफेशन के संबंध में, जिस व्यक्ति का हाई मोरालिटी होगा उसी को चुना जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसमें जो है हाई थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन आई एम वेरी यू नो श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। अच्छा अब देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, अगर मैंने बोला आई रिस्पेक्ट अ मैन विथ हाई स्पिरिचुअल डिस्पोजिशन, अब इसके बाद में देखिए ज्यादा घबराइए नहीं, बहुत इजीली हम उसको स्प्लिट करके बता रहे हैं, आई रिस्पेक्ट अ मैन, अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो जैसे नाउन के तुरंत बाद पहले वाले में आ गया था तो नाउन फ्रेज जो है वो नाउन को लंबा कर दिया था मैंने, यहां पर जो है नाउन का काम दूसरा क्या है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट करना, तो आई सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन है, रिस्पेक्ट क्या हो गया आपका वर्ब हो गया, आई रिस्पेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्वेश्चन आएगा किसे, आई रिस्पेक्ट द मैन, उस आदमी को मैं रेस्पेक्ट करती हूं, किसे करती हूं, द मैन विथ हाई स्पिरिचुअल डिस्पोजिशन, यानी आई रिस्पेक्ट द मैन, हमारा मेन है आई रिस्पेक्ट द मैन, मैं किसको रिस्पेक्ट करती हूँ, आई रिस्पेक्ट द मैन, द मैन हमारा नाउन है, लेकिन उस नाउन की विशेषता हम थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं ये बोल के, आई रिस्पेक्ट द मैन विथ एक प्रपोजिशन लगाया विथ हाई स्पिरिचुअल क्वालिटी, अब यहां पे देखो सॉरी हाई स्पिरिचुअल डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का मतलब होता है बेटा प्रवृत्ति, किसी की आदत, तो यहां पे जो डिस्पोजिशन है उसके पहले दो वर्ड आया है हाई और स्पिरिचुअल, तो ये दोनों यहाँ एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि प्रपोजिशन जो है एक फ्रेज बना रहा है, कैसे बना रहा है, आई रिस्पेक्ट अ मैन, मैन के बाद जो मैन ऑब्जेक्ट है उसके बाद कैसे आ रहा है विथ हाई स्पिरिचुअल
डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन को आप क्वालिटी भी बोल सकते हैं, विथ हाई स्पिरिचुअल क्वालिटी। अब क्वालिटी नाउन हो गया। बेटा मैंने आपको बताया था इसके पहले वाला जो वीडियो सबसे पहले जो बना था नाउन के ऊपर, उसमें मैंने आपको डिटेल में एक चीज बताई थी कि कोई भी वर्ड जो अंत होता है एस आई ओ एन, टी आई ओ एन, एम ई एन टी, एस एच आई पी, एच ओ ओ डी, ई एन सी ई, ये सारे के सारे आपके कौन से नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके बारे में मैंने बताया था। तो नाउन को पहचानना इजी हो जाता है। ध्यान रखिए कि प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा एक नाउन लेता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा हाई क्वालिटी के एग्जाम्पल्स दे रही थी, मैं थोड़ा सा बहुत ही इजी वाला दे रही हूँ, तो कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। अब देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेज की हम बात कर रहे हैं, ये पोस्ट मोडिफायर की बात कर रहे हैं, यानी आपका जो नाउन है चाहे वो सब्जेक्ट की जगह आए और चाहे वो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह आए, उसके बाद हम कुछ प्रेपोजिशन और कुछ और एकाध शब्दों को जोड़ेंगे जो उस पर्टिकुलर नाउन की विशेषता बताएगा। अब चलिए देखिए सब्जेक्ट में, सबसे पहले मैंने बोला द गर्ल इन, या अ गर्ल कर दे रहे, अ गर्ल इन प्रिटी पिंक लहंगा, अ गर्ल इन प्रिटी पिंक लहंगा वॉज लुकिंग ग्रेट। एक लड़की की बात हो रही है, अब अ गर्ल, अब उस हम सिंपली प्रेपोजिशनल फ्रेज को ना लगा के कह सकते हैं अ गर्ल वॉज लुकिंग ग्रेट, अ गर्ल वॉज लुकिंग ग्रेट, लेकिन अब उस लड़की के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दे दें कि वो जो प्रिटी पिंक लहंगा पहनी है वो अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट में सबसे पहले अ लगाया, एक आपका हो गया वो आर्टिकल, अ गर्ल इन किसमें, अ गर्ल इन प्रिटी, प्रिटी एक एडजेक्टिव, देखो इन आपका लग गया प्रेपोजिशन, इन एडजेक्टिव, प्रिटी, प्रिटी ऑलरेडी आपका एडजेक्टिव है, तो अ गर्ल इन पिंक प्रिटी लहंगा, यहां तक आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज लुकिंग गुड, ठीक है, तो वॉज लुकिंग गुड तो आपका प्रेडिकेट हो गया, हमको मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है। इसी तरह अगर मैं किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है नाउन फ्रेज को लेना चाहूंगी तो मैं कहूंगी आई अडोर, अडोर का मतलब प्रशंसा करना या किसी को रिस्पेक्ट प्रदान करना, ऊंचे दर्जे का रिस्पेक्ट देना, इसको अडोर कहते हैं। आई अडोर, आई आपका प्रेपोजिशन, सॉरी आई आपका प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे आया, अडोर वर्ब अप हो गया, ठीक है, आई अडोर। अब चूंकि अडोर एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट के बाद हम प्रेपोजिशन का जो है प्रेपोजिशन फेज लगाएंगे उस नाउन के साथ, तो ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आता है, तो आई अडोर, अब इसके बाद हमको एक नाउन लगाना है, मैंने बोला आई अडोर द ओल्ड लेडी, आई अडोर द ओल्ड लेडी इन ग्रीन साड़ी। अब यहां पे देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेज हमारा हो गया आई सब्जेक्ट, अडोर वर्ब, आई अडोर किसे, देखो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको क्या और किसे वर्ब से पूछना पड़ता है, आई अडोर किसे, आई अडोर दैट लेडी, दैट ओल्ड लेडी लगा दो, दैट मतलब वह, यहां पे हो गया आई अडोर दैट ओल्ड लेडी इन ग्रीन साड़ी, जो ग्रीन साड़ी में है, तो आई सब्जेक्ट अडोर वर्ब, आई अडोर दैट ओल्ड लेडी हमारा ऑब्जेक्ट है, और लेडी के बाद मैंने प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दिया इन ग्रीन साड़ी, यानी उस लेडी की जो है विशेषता बता रहा है इन ग्रीन साड़ी, यहाँ पे किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, सो आई अडोर द लेडी इन ग्रीन साड़ी, तो ये हो गया हमारा प्रेपोजिशनल। अगर मैंने बोला दीज टू क्यूट यंग गर्ल्स इन रेड वेलवेट गाउन्स हैव कम फॉर द पार्टी, अब देखिए ध्यान से, दीज टू यंग क्यूट गर्ल्स,
इन रेड वेलवेट गाउन. अब देखिए हमारा हेडवर्ड कौन सा है, पहले ढूंढे. हमारा सब्जेक्ट जो है वो है गर्ल्स. अब गर्ल्स के पहले मैंने उसकी विशेषता बता दी, दीज बताया था मैंने, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. टू नंबर, दीज टू यंग, यंग आपका एडजेक्टिव. क्यूट एडजेक्टिव, तो यहां पे ये चार तो पोस्ट प्री मॉडिफायर के हो गए. दीज टू यंग, दीज टू क्यूट यंग लेडीज, सॉरी गर्ल्स, फिर से सुनो, दीज टू क्यूट यंग गर्ल्स इन. अब ये तो गर्ल हो गया हमारा मेन जो है वर्ड सब्जेक्ट. अब उधर मैंने प्रपोजिशनल फ्रेज लगा दिया, इन रेड वेलवेट गाउन. जबकि हमारा इन प्रपोजिशन उसके बाद वो तुरंत गाउन ले रहा है, लेकिन गाउन की मैंने दो विशेषता बता दी, रेड और वेलवेट. तो हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज थोड़ा बड़ा हो गया. अब क्या हो गया, दीज टू क्यूट यंग गर्ल्स इन रेड वेलवेट गाउन हैव कम फॉर द पार्टी. अब हमारा सब्जेक्ट इतना बड़ा हो गया, दीज टू क्यूट यंग गर्ल इन रेड वेलवेट गाउन हैव कम फॉर द पार्टी प्रेडिकेट हो गया. तो हमारा सब्जेक्ट ये नाउन फ्रेज हो गया बेटा, नाउन फ्रेज जिसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता. मतलब फ्रेज का मतलब है कि कुछ शब्दों का समूह जिसमें कोई वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं तो सब्जेक्ट नहीं है. लेकिन हमारा मेन एक नाउन है जिसके इर्द गिर्द जो नाउन फ्रेज हम लगाते हैं उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी हमको देते हैं. समझ में आ रहा है, इन रेड वेलवेट. क्योंकि अगर हम उसको ऐसे बोले इन रेड वेलवेट गाउन तो कोई अर्थ नहीं देता. उसको नाउन के साथ हमने जोड़ा कि दीज टू यंग प्रिटी गर्ल्स इन रेड वेलवेट गाउन, तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट बन गया. ठीक है, लेकिन अभी भी ये फ्रेज ही है, अभी भी ये फ्रेज है, क्योंकि हमें सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिल रही है. ठीक है, जब तक ना हम उसको ये जोड़े हैव कम फॉर द पार्टी, हमें कोई मीनिंग नहीं मिल रही है इसकी. ठीक है, अच्छा दूसरा एक और एग्जाम्पल लो. अगर मैंने बोला द येलो कॉन्क्रीट हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज माइन. अब इसको देखिए जरा, द येलो प्री मॉडिफायर, द आर्टिकल लगा, येलो एडजेक्टिव, कॉन्क्रीट भी यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि हाउस के पहले जो भी आ जाए, मेन हमारा यहाँ पे हेडवर्ड हाउस है, उसके पहले जो भी आ जाए एडजेक्टिव है, चाहे आर्टिकल है, चाहे येलो है, चाहे कॉन्क्रीट है, जो भी है. सो द येलो कॉन्क्रीट हाउस, अब मैंने एक प्रपोजिशनल फ्रेज लगाया, अक्रॉस द स्ट्रीट इज माइन. अब हमारा सब्जेक्ट बन गया द येलो कॉन्क्रीट हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट. ये एक नाउन फ्रेज बन गया जो सब्जेक्ट की जगह आया है. ठीक है, उसके बाद आपका प्रेडिकेट लगा इज माइन, यानी पीला कॉन्क्रीट वाला हाउस जो सड़क के पड़े है मेरा है. अच्छा, इसको मैं ऑब्जेक्ट की जगह पे भी ला सकती हूं. मैं कह सकती हूं कि आई लाइक, आई सब्जेक्ट लाइक, मैं लाइक करती हूं, क्वेश्चन आएगा क्या, उसमें मैंने ये पूरा फ्रेज रख दिया उठा के. मैंने बोला आई लाइक द येलो कॉन्क्रीट हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी द येलो कॉन्क्रीट हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, और दोनों जगह जो है ये नाउन का ही काम कर रहा है. यानी बेटा एक नाउन ही होता है जो कुछ शब्दों के साथ मिलके बढ़ जाता है. चलिए अब जेरिन फ्रेज की बात कर लें. अब देखिए जेरिन क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब हम लगाते हैं, और वो आईएनजी जब होता है वो बिना हेल्पर के जब आता है तब वो जेरिन बिहेव करता है. जेरिन को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, क्योंकि वो वर्ब से बना है और काम नाउन का करता है, इसलिए हम उसको वर्बल नाउन कहते हैं. बेटा जेरिन पहचाना बहुत इजी है, मैं आपको समझा रही हूँ, समझिए. उसके बाद हम जेरिन फ्रेज को देखेंगे कि कैसे जो है जेरिन फ्रेज जो है वो भी नाउन फ्रेज के अंतर्गत आता है. यानी देखिए
मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, मैं आपको ये बोलने वाली हूँ कि नाउन जो है, जेरंड जो है वो नाउन का ही काम करता है। तो जैसे नाउन के साथ कुछ शब्द मिलके नाउन फ्रेज बना देते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज मैंने जोड़ दिया, या इधर मैंने आपका जितने भी प्री मोडिफायर है जोड़ दिया, सेम वे जेरंड के पहले भी आपका प्री मोडिफायर जुड़ सकता है और जेरंड के बाद भी कुछ शब्द मिलके जेरंड फ्रेज बन सकता है। पहले समझिए जेरंड क्या है। अब देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो हम लगाते हैं तो अक्सर जो बच्चे सोचते हैं कि वो एक क्रिया है, वर्ब है, यानी ईटिंग, डांसिंग, प्लेइंग, रनिंग, स्मोकिंग, स्विमिंग, लेकिन ये वर्ब का काम तब करता है जब उसके पहले कोई एक्सिलरी वर्ब हो, कोई हेल्पर हो, जैसे इज रनिंग, वॉज रनिंग, हैज बीन रनिंग। लेकिन बिना अगर हेल्पर के अकेले आ जाए तो वो होता है, हिंदी में उसका ना अर्थ आता है, यानी दौड़ना, खाना, खेलना। अब ये उस काम का नाम हो गया, जैसे रवि दौड़ रहा है, यहां तो कोई क्रिया हो गया, काम हो रहा है, रवि इज रनिंग, देखो हेल्पिंग लग गया तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। रवि वॉज रनिंग, तो यहां पे भी रनिंग के पहले हेल्पिंग लग गया तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। लेकिन उसी रनिंग को मैं अकेले ले आती हूँ सब्जेक्ट की जगह पे तो फिर वो जेरंड हो गया। जैसे रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अब यहाँ पे इज रनिंग, वॉज रनिंग ऐसा कुछ नहीं है, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, समझ में आ रहा है बेटा। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया। अब यहाँ पे दौड़ना हो गया, दौड़ रहा, दौड़ रही थी, दौड़ रहेगा नहीं, दौड़ना। इसी तरह स्मोक कर रही है, कर रहा था, करेंगे नहीं, स्मोक करना। डांस कर रही है, करेंगे, कर रही थी नहीं, डांस करना। तो जब किसी चीज का नाम नाउन होता है तो जेरंड भी तो किसी चीज का नाम है, किसी एक्टिविटी का नाम है। तो समझ में आ गया। तो बेटा जैसे नाउन टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका आर्टिकल लग सकता है, दिस, दैट, दीज, दोज, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लग सकता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, माई, हिज, आवर लग सकता है, या फिर आपका मैंने क्वांटिफायर सम, एनी, फ्यू, मैनी लग सकता है। सेम वे जेरंड में भी लग सकता है। जैसे जेरंड में हम कह सकते हैं कि जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिया, माय स्विमिंग इज इम्प्रूविंग। अब देखिए स्विमिंग नाउन की जगह पे आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे, है ना, माय स्विमिंग इज इम्प्रूविंग। द स्विमिंग इज गुड, द भी लगा दिया मैंने, स्विमिंग के पहले मैं दिस भी लगा सकती हूँ, दिस स्विमिंग is not appropriate, कुछ भी हम लगा दे। या फिर मैंने बोला कि हर जगह सम एनी तो लग नहीं सकता, लेकिन जैसे dancing, some dancing are not up to the mark, मैंने लगा दिया, है ना, सम लगा दिया। few dancings were good, हो सकता है आप कुछ कहीं पे डांसिंग देखने गए, वहां पे आपने कई डांस देखे तो आपने बोला few dancings were good, कुछ नाच बहुत अच्छे थे, है ना। तो इस तरह जो है याद रखिए कि जो जेरंड होता है वो आपके सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है जैसे नाउन। तो जैसे नाउन में मैंने कुछ प्री मोडिफायर जोड़ा और पोस्ट मोडिफायर जोड़ा, प्रेपोजिशनल फ्रेज जब जोड़ के मैंने बताया कि जैसे द बॉय इन ब्लैक सूट वॉज लुकिंग गुड, उसी तरह जेरंड में भी हम कुछ शब्द जोड़ के जेरंड फ्रेज लगा सकते हैं जो कि नाउन फ्रेज का काम करने लगेगा, है ना। इसी तरह जैसे मैंने बोला कि स्लीपिंग इन द डे टाइम is not good for health, तो हमारा gerund phrase क्या बन गया, sleeping एक gerund है, in preposition day time, in आपका preposition है, time जो है आपका time, in preposition अपने बाद noun लेगा तो time noun है, लेकिन उसके पहले day लगा दिया जो adjective का काम कर रहा है। बेटा याद रखो कि किसी भी noun के पहले भले ही आपका दो नाउन बगल बगल आ जाए लेकिन पहला एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है। अच्छा, तो जेरंड फ्रेज मैंने क्या बोला कि स्लीपिंग इन द डे टाइम इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सेम वे एक सेंटेंस में बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से उसको स्प्लिट करो और सोचो। अगर मैंने एक सेंटेंस बोला, आई स्पेसिफिकली हेट, आई सब्जेक्ट, स्पेसिफिकली विशेष तौर पर,
हेट क्या होता है? वर्ब, वर्ब के पहले ही एडवर्ब का काम कर रहा है स्पेसिफिकली, यानी वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। आई, चलो स्पेसिफिकली वर्ड को मैंने हटा दिया, आई हेट। अब आई सब्जेक्ट है, हेट वर्ब है। वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगा जो नाउन होगा, चूंकि हम बात जेरेंड की कर रहे हैं तो जेरेंड आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। आई हेट डिस्कशिंग, डिस्कसिंग, डिस्कस करना। आई हेट डिस्कसिंग। अब ये डिस्कसिंग लगाने के बाद भी हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है, हमको कुछ एक और वर्ड जोड़ना है। क्या डिस्कस करना? आई हेट डिस्कसिंग माई फैमिली अफेयर इन पब्लिक। अब यहां पे देखो, आई सब्जेक्ट हो गया जो कि आपका प्रोनाउन है, हेट वर्ब हो गया, डिस्कसिंग एक जेरंड हो गया। आई हेट डिस्कसिंग क्या? देखो ये भी जो है, कुछ कुछ जेरंड जो है अपने साथ ऑब्जेक्ट की तरह कुछ शब्द लेते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे। अगर मैंने बोला आई हेट डिस्कसिंग माई फैमिली अफेयर, आई हेट डिस्कसिंग माई फैमिली अफेयर। अफेयर एक नाउन है और उसके पहले माई लगा है जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और फैमिली भी यहाँ पे एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। आई हेट डिस्कसिंग माई फैमिली अफेयर, जो मैं बताती जाती हूँ बेटा, एक कॉपी में लिखते जाया करो और उसको इसी तरह बांटो। आई सब्जेक्ट, हेट वर्ब, डिस्कसिंग जेरंड। आई हेट डिस्कसिंग। अगर मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि मैं डिस्कस करना घृणा करती हूँ, हेट करती हूँ, लेकिन तो एक क्वेश्चन आएगा, क्या डिस्कस करना आपको घृणा लगता है, मतलब आप हेट करते हो? तो मैंने बोला आई हेट डिस्कसिंग माई फैमिली अफेयर, मेरा जो पारिवारिक मामला है। यहाँ पे फैमिली अफेयर का मतलब पारिवारिक मामला। इन पब्लिक, इन एक प्रपोजिशन जो अपने बाद नाउन ले रहा है पब्लिक को। तो आपका पूरा ऑब्जेक्ट आ गया डिस्कसिंग फैमिली अफेयर इन पब्लिक। आई सब्जेक्ट, हेट वर्ब, हेट का ऑब्जेक्ट आ रहा है, डिस्कसिंग माई फैमिली अफेयर इन पब्लिक, अफेयर्स इन पब्लिक। इसी चीज को जो ऑब्जेक्ट की तौर पर आया है उसको उठा के हम सब्जेक्ट की जगह रख दें और बाद में एक वर्ब रख दे तो कैसे आएगा? जैसे मैंने बोला डिस्कसिंग, आई हेट को छोड़ दो, अब मैं सब्जेक्ट बना रही हूं, डिस्कसिंग माई फैमिली अफेयर इन पब्लिक। अब यहां पे एक वर्ब लगाना पड़ेगा, इज नॉट गुड। फिर देखो, डिस्कसिंग माई पब्लिक, डिस्कसिंग माई फैमिली अफेयर, अफेयर्स इन पब्लिक। अब ये सब्जेक्ट बन गया बेटा, तो इसके बाद हमको एक वर्ब लगाना पड़ेगा ना, इज नॉट गुड। अच्छा बेटा, एक चीज अभी मैं आपको बता रही थी कि जेरेंड भी अपने साथ कुछ शब्दों को फ्रेज के तौर पे लेता है। तो यहां पे जैसे मैंने बोला आई लव प्लेइंग, आई सब्जेक्ट, लव वर्ब हो गया प्लेइंग। तो प्लेइंग में अब बहुत सारे, जब वहां पे ऑप्शन है प्लेइंग क्या, तो मुझे पर्टिकुलर गेम खेलना अच्छा लगता है। आई लव प्लेइंग तो मैं नहीं कह सकती ना, मैं सब जो चार लोगों के साथ मैं बैठी हुई, मैंने बोला आई लव प्लेइंग, तो सब पूछेंगे व्हाट, क्या, तो मैं कहूंगी आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव प्लेइंग टेनिस, आई लव प्लेइंग चेस। तो ये जो प्लेइंग के बाद एक शब्द ले लिया चेस, है ना, आई लव प्लेइंग चेस, इसी को कहते हैं जेरंड का ऑब्जेक्ट। तो मेरे कहने का मतलब थे नाउन फ्रेज जो है उसमें कई चीजें आ जाती है बेटा, लेकिन याद रखो कि जितनी भी चीजें हम लंबी बना सकते हैं लेकिन उसमें वर्ब नहीं आएगा, वो सब्जेक्ट ही बना रहेगा या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट ही बना रहेगा। चाहे हम जेरंड फ्रेज जोड़ दे, चाहे प्रेपोजिशनल फ्रेज जोड़ दे, चाहे जितना लंबा बना दे, वो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही रहेगा। इसी को कहते हैं नाउन फ्रेज। क्योंकि मैंने आपको अभी तक नाउन के दो ही काम बताए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो प्रेपोजिशन एक कॉम्प्लीमेंट बनना भी होता है नाउन का, जो क्या होता है कि वो थोड़े डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा कि एक तीसरा काम होता है आपका नाउन का कॉम्प्लीमेंट बनना, और चौथा होता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो जैसे नाउन आएगा वैसे जेरंड भी आ सकता है।
इन्फिनिटिव भी ऐसे ही आ सकता है। और जो तीसरा काम होता है नाउन का, वो होता है किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनना। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है, जैसे अगर जब इज एम आर वॉज वर ये अकेले आ जाए सब्जेक्ट में, यानी सॉरी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जब इज एम आर वॉज वर अपीयर बिकम सीम, ये सारे वर्ड जब अकेले आ जाए हेल्पिंग की तरह नहीं मेन वर्ब बन के आ जाए, तो वो अपने बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेता है। और वो जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैंने बोला टॉम इज अ डॉक्टर, यहाँ पे टॉम इज अकेला आया है और जो डॉक्टर है वो कॉम्प्लीमेंट है। याद रखिए कि कॉम्प्लीमेंट और जो सब्जेक्ट होता है एक होता है, यानी डॉक्टर टॉम, टॉम डॉक्टर, बीच में इज अकेला आया, टॉम इज अ डॉक्टर, या मोहन इज अ टीचर, टीचर मोहन, मोहन टीचर, या कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है उसकी जगह। सेम वे जेरेंड भी आपको कॉम्प्लीमेंट की तरह आ सकता है। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही आपको समझा रही हूँ, क्योंकि वीडियो मेरे लंबे होते जा रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि जो है बच्चे बोर हो जाएं सुनते सुनते। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्फिनिटिव फ्रेजेस और रिलेटिव क्लॉज के बारे में बताऊंगी, और जो कि आपका पोस्ट मॉडिफायर के रूप में काम करता है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज वॉच करिए और जो है कॉमेंट करके बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू सो मच।